कितना कीमत है इसका? ये 350 रुपया की, आप 200 रुपया दे दीजिए। नहीं नहीं भैया, मुझे वो चार्जिंग वाला दीजिए, ये लीजिए। अरे ये बिक गया है। अरे क्या बात करते हैं, आप मुझसे 50 रुपया ज्यादा लीजिए। अरे भैया 50 रुपया की लालच में मैं कस्टमर को धोखा नहीं दे सकता, ये अगर आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? माफ कीजिए। कोई बात नहीं, आप परसों आइए, इससे बेहतर वाला प्रोडक्ट देंगे आपको। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे यार ये कब बिका, सुबह से तो मैं दुकान पर ही हूँ। अरे बात को समझा कर, ये मेरे होने वाले ससुर जी के लिए रखा हूँ। ओ अच्छा, ला मैं देकर आता हूँ। अरे यार इतना मुश्किल से मेघालय से मिलने का एक मौका मिल रहा है, वो भी सीन लेना चाहते हो? सुन जल्दी दुकान बंद करके घर आ जाना, आज मीरा को देखने लड़के वाले आने वाले है, तू भी मुंह मीठा कर लेना। ठीक है ठीक है, अभी चलता हूँ, दे मैं लेता हूँ। हाय, कोई अपनी लड़की को ब्याह ऐसे होनहार और ईमानदार लड़का को ही देना चाहिए। चाचा जी हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ बैठो। आपने चार्जिंग लाइट के बारे में पूछा था ना, ये अब तक का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये स्विच है, इसमें 3 तरह की आपके लाइट जलेंगे और इससे आप लिखाई पढ़ाई भी कर सकेंगे, बहुत ही बढ़िया है। और 6 महीने के अंदर में कुछ भी खराबी हो तो आपका शिकायत मुझे दे दीजिए, मैं आपको एक नया वाला दिलवा दूंगा, लीजिए। चाचा जी, चाचा जी हाँ हाँ हाँ, बढ़िया है बेटा, इसका कीमत कितना है? वैसे तो 350 रुपया है, बस आप 300 रुपया दे दीजिए। 300 रुपया क्यों? तुम पूरे 400 रुपया लेना, पहले भी तूने लालटेन का पैसा काम लिया था। ये लो 400 रुपया। ठीक है। अच्छा बेटा तुम चाय पी के जाना, ठीक है? ठीक है ठीक है, बैठो। माँ माँ क्या हुआ? मैं मीरा के घर जा रही हूँ, आज उसे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। कभी मेरी भी मान लिया कर, हमेशा अपनी ही क्यों सलाती है? माँ आज तो मना मत कर, मीरा एक ही तो सहेली है मेरी। क्या हुआ? आप ही समझाइए इसे, ये मीरा की घर जाना चाहती है, मेरी तो कुछ सुनती नहीं। जाना चाहती है तो जाने दे उसे, जल्दी घर आ जाना। और हाँ, ड्राइंग रूम पे नवदीप बैठा हुआ है, चाय पानी पूछो कोई उसे। हाँ क्या हुआ, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? पहले तू मुझे ये बता कि तूने पिताजी को क्या बोला, पहले तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, अब एक बार में ही मान गए? अरे ये सब कुछ मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जा जल्दी तैयार होके आ। अरे जाना। ठीक है मैं तैयार होके आती हूँ। हाँ। एक बार देख तो ले लड़के को, वरना बाद में मत कहना कि कैसा लड़के से ब्याह दिए है। आप मीरा है, आप जीवन, हम लोग बात को ना खींचते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जीवन एमए पास है, डीसी कोर्ट में नौकरी करता है, घर में इनकी माता पिता के अलावा एक भाई भी है जो शहर में रहकर पढ़ाई करता है। मीरा बीए पास है, सिलाई बुनाई के काम के साथ साथ घर के काम में भी निपुण है। घर में इनका माँ और भाई का अलावा कोई नहीं है, नवदीप मीरा का भाई है, गाँव का होनहार लड़का है। पिताजी का देहांत के बाद भलाई नवदीप ने पढ़ाई सोर दी हो, लेकिन मीरा का पढ़ाई कभी सोरने नहीं दिया। लड़का और लड़की के बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए। जी नहीं, हमें कुछ नहीं पूछना, हमें बस लड़की पसंद है। हमें भी लड़का पसंद है। तो शादी की तारीख पक्का कर दिया जाए? अजी रुकिए, पहले लड़का लड़की को अकेले बातचीत करने दीजिए। जीवन मीरा से तुम्हें कुछ पूछना है? और मीरा तुम्हें अकेले में लड़का के साथ कोई बातचीत करना है? तो फिर शादी का डेट फाइनल किया जाए? जी वही ठीक रहेगा। आप लोगों के लिए कौन सा दिन ठीक रहेगा? इस साल के अंत तक ठीक रहेगा।
अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो। जी हमें कोई आपत्ति नहीं है, जैसा आप लोग ठीक समझे। ठीक है, अब हमारी बहू आपके यहाँ अमानत पे रहेगी, इसकी ख्याल रखिए। जरूर जरूर। तो हम लोग चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नवदीप क्या हो गया तुझे? क्या होगा मेरा, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तू इतना परेशान क्यों लग रही है? तूने मीरा के हाथों बुलावा भेजा था ना, कमीनी ने ऐसे बताई, मुझे लगा तुझे कुछ हो गया है। पता है यहाँ तक आते आते मन में क्या क्या ख्याल आ रहा था। तू यूं ही बेकार की बातें सोचकर परेशान हो जाती हो। बेकार की बातें नहीं, परवाह करती हूँ इसलिए परेशान होती हूँ। अब बोल क्यों बुलाया था? कल मैं शहर जा रहा हूँ, लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा, तेरे लिए क्या लाऊं बता। जल्दी और सलामत से आ जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मीरा की शादी की सामान और पैसा भी जुगाड़ करना है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा आने में। मगर मीरा के शादी के लिए तो अभी बहुत टाइम है। हाँ मगर एन वक्त तक सब कुछ सोर भी तो नहीं सकते ना। ठीक है अभी मैं चलती हूँ, जाके उस मीरा के बच्ची को देखती हूँ। तू अपना ख्याल रख। ठीक है तू जा। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7:00। मूल के साथ ब्याज भी। कोई बात नहीं, लेन देन में तुम्हारे जैसा खड़ा इंसान पूरे गांव में गिनती के दो साड़ी है। तुम्हें कमेटी का पैसा लौटाने के लिए इतना जल्दबाजी करने का जरूरत नहीं है, और आगे तुम्हारे बहन के शादी भी तो है। वो सब मैंने जुगाड़ कर लिया है भैया। देखो शादी ब्याह जैसे कामों में तुम कितना भी मैनेज क्यों ना करो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाते ही है। फिलहाल ये पैसा तुम रख लो, ठीक है? अभी आप रख लीजिए भैया, जरूरत पड़ा तो मैं बाद में ले लूँगा। जरूरत पड़ेगी मतलब? तुम्हें जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी तुम पैसे लेके कहाँ भागे जा रहे हो? तुम रख लो, बहन की शादी वादी सब निपटा कर आराम से वापस करना पैसा, ठीक है? ठीक है भैया, तो अब मैं चलता हूँ। मेघाली मेघाली रुकना जरा। नवदीप तू मेरा पीछा मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे भी क्या बिजी है तू, थोड़ा रुक नहीं सकती? क्यों सिर्फ तू बिजी हो सकता है, मैं नहीं। अरे आ, आ, अरे नवदीप देखा लगी ना उसने, यार
ये छोटी सी चोट तेरे रुतने से ज्यादा दर्दनाक नहीं है। अरे मेघाली सुन ना मेरी बात। मैंने कभी वक्त लगाया है रुत के मानने में? 2 घंटे भी मैं तुमसे रुथी नहीं रह सकती। ओ 2 घंटा पता है किस तरह गुजरती है मुझ पे? ऐसा लगता है कि 2 जन्म से तू रुठी बैठी है मुझसे। इतना ही प्यार करता है तो क्यों नहीं मिला इतने दिन से? बोला था ना शहर गया था सामान लाने। शहर? हाँ बोल के तो गया था। मेरे लिए क्या लाए हो बता ना, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज सुनाती हूँ। बताने का नहीं ये दिखाने का चीज है, पहले तो तेरी गुड न्यूज सुना। तूने मेरे पिताजी को इलेक्ट्रॉनिक वाला लालटेन गिफ्ट दिया था क्या? हाँ हाँ तेरा पापा मेरा भी तो कुछ लगता है, तू गुड न्यूज सुना। तेरा तीर बराबर निशाने पे लगा है। क्या मतलब? पिताजी तेरा तारीफ कर रहा था और साथ में माँ भी। क्या बात कर रही हो, ये वाकई बड़ा गुड न्यूज है। अब हमारा शादी में कोई रुकावट नहीं होगा। लेकिन शादी के लिए अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई। आज तारीफ क्या है तो कल हरी झंडी भी दिखा देंगे। तो मेरा घर चल, माँ और मीरा तुझसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलना चाहते हैं? क्यों? उनसे ही पूछ लेना। चल नवदीप, नवदीप, नवदीप। क्या हुआ, तू इतनी घबराई सी क्यों है? तूने आज का अखबार देखा है? क्या लिखा है आज के अखबार में? भारत में अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार करने हेतु संपूर्ण भारतवासियों से निवेदन किया है कि कोई भी आज से चाइनीज सामान को ना तो खरीदे ना तो बेचे। चाइनीज सामान का बढ़ते हुए बाजार ने हमारे भारतीय अर्थनीति पर काफी प्रभाव विस्तार किया है। अब तू जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। जल्दी निकल रहा है तू? रुक मैं खाना लगाती। नहीं माँ मेरा भूख नहीं है। भूख नहीं है क्या बोलते हो, सुबह से कुछ नहीं खाया। दोपहर कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो पता ही नहीं चलता। घर में हो तो कुछ खा के निकलो। रुको मैं खाना लगाती हूँ। नवदीप क्या हुआ, तेरा तबीयत खराब है क्या? नहीं माँ। माँ भैया टीवी पर प्रधानमंत्री जी का भाषण आ रहा है। हाँ चलो चलो देखते हैं। अरे ये यहाँ बैठा है। नवदीप
नवदीप। हाँ यार। क्या हुआ यार, इतना सुनसान जगह पर अकेले बैठे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही? तू यहाँ यूं ही नहीं बैठता है, तुझे टेंशन जब होता है तभी यहाँ बैठता है। इसे क्या हो सकता है, मीरा की शादी को लेकर टेंशन है क्या? नहीं नहीं, आज नहीं तो क्या, कल मीरा की शादी होना ही है। तो फिर आज का अखबार पढ़ा है तूने? नहीं तो क्या है आज के अखबार में? प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से निवेदन की है कि आज से कोई चाइनीज सामान ना खरीदे ना बेचे। क्या बात कर रहा है? उसी चाइनीज सामान से 200 रुपया कमाई हो रहा था, घर भी आराम से चल रहा था, मीरा की शादी की भी खरीदारी हो रही थी। अब अचानक दुकान बंद हो जाएगा तो ये सब मैनेज कैसे होगा? गुवाहाटी में 50-60 हजार रुपया का भी माल ऑर्डर कर चुका हूँ, कमेटी का भी 1,00,000 रुपया उधार ले चुका हूँ। सोचता हूँ तो मन अच्छा नहीं लगता है। यार तू इतना मत सोच, ये 2 दिन का सोच ले, फिर गायब हो जाएगा। नहीं यार, वो देश का प्रधानमंत्री है, इतने बड़े इंसान का लिया हुआ सिद्धांत कैसे गायब हो सकता है? ये सब कुछ हम लोगों को मान लेना चाहिए। फिर तेरा बिजनेस का क्या होगा? कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। चल चल कुछ सोचते हैं। चल कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हेलो अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार नवदीप जी, आपका माल का लीज गोदाम में पहुंच गया है? नहीं अग्रवाल जी, मैं ऑर्डर के लिए फोन नहीं किया हूं। हाँ तो फिर क्या तकलीफ है नवदीप जी? आपको तो मालूम है सरकार ने चाइनीज सामान पर रोक लगा दी, इसलिए मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करने के लिए फोन किया हूं। अरे नवदीप जी, आप भी कहां ये नेताओं के दिखावे में आ गए हो, ये सब 2 दिन के दिखावा है और दाम बढ़ाने का पैतरा। अरे मैं तो कहता हूँ और 50,000 का माल उठा लीजिए, अगले हफ्ते से दाम बढ़ने वाला है। सरकार ने अगर कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा, और हम सबको ये पूरी तरह से मान लेना चाहिए, ना कि आवाज दबा के उसके बुराइयां करना चाहिए। मैं अपने पास पड़ा पूरा सामान वापस करता हूँ, आप हिसाब कर दीजिएगा। रखता हूँ। क्यों, क्या कहते हो अपने लाडले नवदीप के बारे में? बावला हो गया है लड़का, बड़ा समझदार समझा था। अरे टीवी में एक न्यूज क्या निकला, और लड़का महीना भर से दुकान बंद करके घर में बैठा हुआ है। अब बोलो कोई भी आएगा उसके साथ अपना लड़की? अपनी बेटी का दुश्मन ही होगा वो बाप, ऐसे पागल लड़के के साथ बिया दे तो। मैं ठीक हूँ, अब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। चाइनीज माल का दुकान भी चाइनीज माल की तरह है निकला, कुछ दिन चला उसके बाद फुस। शुक्र है देश में आलू प्याज चाइना का माल नहीं है, सोचो अगर होता तो क्या होता। अरे नवदीप तो बेचारा बर्बाद हो गया। कौन नवदीप? अपना जतिन जी का लड़का। और नहीं तो कौन नवदीप? क्या हुआ उसे? होगा क्या, जब से सरकार ने चाइनीज सामान पर पाबंदी लगा दिया तब से बेचारा दुकान बंद करके घर में बैठा है। अरे यार, उसने तो हमारा कमेटी से 1,00,000 रुपया उधार लेके रखा था, कहीं लड़का पैसा लेके गायब ना हो जाए। अरे मालिक, अरे गाड़ी तो बना के जाओ। आगे क्या होगा हमारा, मुद्दतों के बाद 4 दिन अच्छे गुजरे थे, फिर वही बुरे दिन आ गए। बड़े कहते थे अच्छे दिन आएंगे, और आज ये दिन दिखा रहा है हम लोगों को। अरे अच्छे दिन लाने के लिए तो ये कदम उठाया है,
प्रधानमंत्री जी की ये बलिदान बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, और ये बुरा वक्त जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे भी मैं हूँ ना माँ, तू ज्यादा फिक्र मत कर, सेहत खराब हो जाएगा। सरकार के मना करने के बाद भी कुछ लोग अभी भी साइनिस सामान बेच रहे हैं। एक तू ही है दुकान बंद करके बैठ गया, जैसे प्रधानमंत्री ने तुझे ही बेचने के लिए मना किया हो। प्रधानमंत्री जी से मेरा कोई जाति संबंध नहीं है, पर मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। अगर वो देश की जनता के नाम पर कोई भी संदेश भेजे, हम सबको मान लेना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ उन्हीं को कहा है। नवरीप, नवरीप, बाहर निकल, सुना है तुमने? टाइम नगबदीप, बाहर निकल। धीरे बात कीजिए, सिल्ला को किसे सुना रहे हैं आप लोग? क्यों बात करें धीरे से, लोगों को भी तो पता चले लाख रुपए देना है हमें। हाँ है, तो मैंने कब मना किया है? चिल्लाकर आदमी इकट्ठा करने से पैसा मिल जाएगा क्या? हिम्मत तो देखो लड़के की, एक तो चोरी ऊपर से छीना चोरी। चुप करो तुम लोग, हम यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा पैसा सही है, पैसा मांगने के लिए आया है। उत्पल भैया, आपके पास पैसा लेके आया था ना मैं, आप ही ने तो वापस करते हुए कहा था कि मैं अपना बहन की शादी खत्म करके आपको पैसा वापस करूं, तो आप पैसा लेके मैं कहां भागे जा रहा हूं? कहां होगा, तुम तो बिजनेस में अच्छा कर रहे थे, हमें क्या पता था तुम धंधा बंद करके घर में बैठ जाओगे। हमें अपनी पैसे की चिंता होना जायज है कि नहीं? हाँ है, जायज है, जायज है। मैं समझता हूँ उत्पल भैया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका पैसा बहुत जल्द वापस करूंगा। देखो भाई, या तो पैसा दो या तो यकीन दो। यकीन दो मतलब? यकीन मतलब जमीन का कागजात वगैरह। उत्पल भैया, आप भूल रहे हो, आप खुद ही आकर पैसा दे जाते थे ब्याज के लालच में। हाँ हाँ, आज भी तो मैं खुद ही आया हूँ ना पैसा लेने, क्यों भाई हो? हाँ, सही बात है। देख, सिक्योरिटी के तौर पे हमें जमीन का कागज दे दे, वरना बात बिगड़ जाएगा।